अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मेरे पास ये जॉर्जेट की फैब्रिक है जो 1.25 मीटर है और ये 1.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक है। कपड़ा मेरे पास बहुत कम है और टाइम भी कम है, मुझे इसे 1 घंटे में तैयार करना है पूरे कुर्ती को। तो इसीलिए मैंने उतना मेजरमेंट नहीं लिया है, इसे डायरेक्ट सूट रख के ही कटिंग किया है। और ये बिगनर्स के लिए भी बहुत इजी है, बिगनर्स भी इस वीडियो को देख सकता है क्योंकि ये बहुत इजी है कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है। पहले मैंने सोचा कि लॉन्ग सूट बनाना है और कपड़ा बहुत कम है, इसलिए फिर इस तरह से कटिंग कर रही हूँ ताकि सूट भी लॉन्ग बन जाए और कपड़ा पूरा यूज़ हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से जम्पर को रख दिया है, ठीक है। तो इससे लॉन्ग बनाना है सूट को, मैं इस नाप का कट कर रही हूँ। उसके बाद आप आगे देखिए कि मैं किस तरह इसे लॉन्ग बनाऊँगी। इस तरह सूट रख के आप आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम सीधा लकीर पाड़ देंगे और आर्म होल का निशान दे देंगे। फ्रंट के लिए भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल का निशान देंगे। उसके बाद हम नेक के लिए इंची टेप की मदद से हम यहाँ से 2 इंच लेंगे। 2 इंच लेने के बाद निशान लगाएंगे और फिर हम नेक का निशान लगा लेंगे, आपको जितना लगाना है। मैं इसमें बैक का 2 इंच और फ्रंट के लिए 3 इंच दे रही हूँ। यहाँ से हम चोली का नाप के लिए नाप लेंगे और चोली का लंबाई हमारा 13 इंच आया है, तो हम इस तरह से 13 इंच पे कटिंग कर देंगे और इस तरह से साइड से भी काट के निकाल देंगे और हम चोली की कटिंग करेंगे। आर्म होल को भी हम काट देंगे। इस तरह से मैंने सूट को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब फ्रंट की चोली के लिए ये गले का कटिंग करेंगे और आर्म होल को भी गहराई करके कट कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट और बैक का दोनों चोली कट हो चुका है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को बिछाएंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट कट हो चुका है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसकी लेंथ है 37 इंच। तो इस 37 इंच में लॉन्ग सूट आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम जो कॉटन के दामन का हिस्सा है उसको रख करके इस तरह से आपको जितनी लंबाई चाहिए उस अकॉर्डिंग से हम इसे रखेंगे। तो हमें थोड़ा सा और इसे कम करना होगा लेंथ में, बस यहाँ तक हमारा 41 इंच आ जाएगा टोटल लेंथ करेंगे तो। और एक तरफ से हम चोली काटेंगे, दूसरी तरफ से स्लीव्स काटेंगे और बाकी को हम रफल में यूज़ करेंगे। तो हम इसको काट लेंगे और फिर हम दूसरी साइड से चोली काटेंगे। स्लीव्स का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और हाँ, जॉर्जेट को थोड़ा दामन है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, कॉटन का दामन कम रखेंगे। तो ये देखिए, अब हम इस तरफ से चोली की कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को रख करके कट कर लेंगे और इस तरह से हम दोनों को अलग अलग कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये बैक वाले पार्ट को हम इस तरह अटैच करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम अस्तर के साथ इसको अटैच करके गले को पहले सिलाई कर लेंगे बैक वाले पार्ट में। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से कट लगाएंगे इसमें ताकि गला में फिनिशिंग अच्छी आए। और इसे इस तरह से पलट के इसके फ्रंट साइड में हम सिलाई लगाएंगे सीधा करके। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे तो हमारा बैक का
गला तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। अब हम इसमें टेकिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो इस कपड़े को इस तरह पलट के हम यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 4 इंच का हम टेकिंग देंगे। यहाँ से कट लगा करके इसे इसमें बैठा के इस तरह ठोक के हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे और फिर हम टेकिंग को सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सील करके इस तरह अटैच कर लेंगे ताकि टेकिंग लगाते वक्त कपड़ा घसके नहीं। तो देखिए इस तरह से हम टेकिंग लगाएंगे। हम बैक के दोनों पार्ट में टेकिंग लगा लेंगे और फिर फ्रंट में भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम फ्रंट पे भी लगा लेंगे। ये बैक का सिलाई हो चुका है और बैक में हम ये लेस लगाएंगे इस तरह से। इसमें हम ये लेस अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट के चोली को तैयार कर चुके हैं। गला हमने नहीं बनाया है अभी क्योंकि इसमें हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके हम सेंटर पे निशान लगाएंगे, इस तरह मार्क कर लेंगे। क्योंकि इसमें हमें रफल लगाना है इसलिए हम पहले सेंटर पे मार्क करेंगे। फ्रिल के लिए मैंने इसकी लेंथ ली है 3 इंच और इसकी विड्थ है 26 इंच। अब हम इसके फ्रंट पे 1/2 इंच यहाँ से और 1/2 इंच इधर से, दोनों तरफ से 1/2 इंच करके मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे हम। उसके बाद हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रिल बनाने के लिए मैंने इसके एक तरफ पिको कर लिया है और आगे में पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ से 1/8 इंच और 2.5 इंच का पट्टी लेंगे, जिसके हम दोनों साइड में इस तरह से लेस लगाएंगे। इस तरह से हम इस पट्टी में दोनों साइडों में लेस लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड में भी इसी नाप का एक लेस कट करेंगे और दूसरी साइड में लगा लेंगे। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियो बनाती रहती हूँ। तो देखिए ये मैंने दोनों को स्टिच कर लिया। अब इसे पलट के हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इसे स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये कुर्ती आराम से आप किसी भी ओकेशन के लिए बना सकते हैं। इसे जींस के साथ या प्लाजो के साथ कैरी कर सकते हैं। सिंपल कुर्ती है और काफ़ी अच्छा लुक भी दे रहा है लेस के साथ। तो ये देखिए हम इस फ्रिल को, पहले हम इस फ्रिल को बैठाएंगे यहाँ और दूसरी साइड भी हम इस फ्रिल को बैठा लेंगे। फ्रिल को बैठाने के बाद हम इसमें, देखिए फ्रिल मैंने बैठा लिया है, अब इसके ऊपर ये हम पट्टी लगाएंगे। इस पट्टी को हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इस पट्टी के ऊपर आप बटन्स भी लगा सकते हैं। तो ये बैक का पार्ट है और वो फ्रंट का पार्ट है। तो इस सबसे पहले हम इसमें नीचे का जो दामन है उसको जोड़ेंगे। तो उसके लिए हम अस्तर और दामन को दोनों को साथ में अटैच करेंगे कमर के तरफ से। ये देखिए ये दोनों को हम कमर के साइड में अटैच कर देंगे इस तरह से मिला करके। तो इन दोनों को मैंने अटैच कर लिया है। ये देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम सबसे पहले तिरछी पट्टी की पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह तिरछी पट्टी लगा के हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये सिलाई कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से एक को सीधा और एक को उल्टा रख के हम इसके तीरे की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके तीरे में सिलाई लगा ली है। अब हम साइड की फिटिंग देंगे।
तो फिटिंग के लिए हम उसी तरह सूट रख के नाप लेना है। मैंने पहले से नाप के रखा है इसलिए इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। आप फिर से सूट को सीधा रख करके निशान लगा सकते हैं। इस तरह से जहाँ तक हमें बंद रखना है वहाँ तक हम निशान लगाएंगे और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर से निकल रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद हम इसकी दामन की सिलाई करेंगे। तो दामन की सिलाई हम अस्तर की और जॉर्जेट कपड़े की अलग अलग करेंगे। इस तरह से देखिए ये मैंने अलग अलग किया है और यहाँ लाके मिला दिया है। तो मेरे दामन की फोल्डिंग सिलाई हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो स्लीव्स को हम इस तरह दोनों आर्म होल में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम दामन में लैस लगाएंगे इस तरह से, और दोनों दामन में हम लैस लगाएंगे आगे और पीछे दोनों तरफ। ये इस तरह से हम इस तरफ करके लगाएंगे बाहर अंदर की तरफ। बाहर की तरफ लैस आप किसी भी तरफ करके लगा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ऊपर की तरफ हम इस तरह तिरछा मोड़ लेंगे और दोनों तरफ हम इसी तरह लैस लगा लेंगे। तो देखिए मैंने लैस लगा लिया है आगे पीछे। ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स है। अब हम इसके फ्रंट को घुमाते हैं। ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट के यहाँ पर ही आप बटन लगा लीजिए। स्लीव्स भी तैयार हो चुका है। तो प्लीज़ कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।